इस वीडियो श्रृंखला में हम समझ रहे हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स स्क्रैच में कैसे अप्लाई होती हैं। हम पिछले वीडियोस में लूप्स, बोलियन एक्सप्रेशन कंडीशनल स्टेटमेंट्स नेस्टेड स्टेटमेंट्स वेरिएबल्स और प्रोसीजर्स की कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं इस वीडियो में हम एरेज को समझते हैं जिनको स्क्रैच में लिस्ट कहते हैं तो लिस्ट या एरेस जो हैं, वो एक टूल है जिसमें कि हम मल्टीपल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एक साथ स्टोर कर सकते हैं या समझने के लिए कि वो एक इस किस्म का वेरिएबल है जो कि मल्टीपल अदर वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं जैसे हम अभी एक क्विज बनाएंगे और इस क्विज के क्वेश्चन आंसर्स को हम एक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करेंगे तो जो हम प्रोग्राम बनाना सीख रहे हैं वो ये क्विज का है जिसमें क्विज मास्टर हमसे क्वेश्चन पूछेगा फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया और हम अगर आंसर देते हैं न्यू डेली तो जो हमारा स्कोर अभी जीरो है वो अगर हम ठीक आंसर देते हैं तो कहते हैं दैट्स that, करेक्ट और स्कोर जो है वो टेन से इंक्रीज हो जाता है और अगर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान और अगर मैं इसका आंसर गलत देता हूं ओसाका फॉर एग्जांपल तो रिस्पांस मिलता है ऊप्स दैट दैट्स नॉट करेक्ट और पाँच जो पॉइंट्स हैं नेगेटिव मार्किंग वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं ये क्विज बनाने के लिए हमने यहां पर ये लिस्ट का प्रयोग किया है तो हम इस क्विज को स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखते हैं और ये क्विज जो है ये आप कोई भी क्विज बना सकते हैं हिस्ट्री का ज्योग्राफी का मैथमेटिक्स का हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि क्विज स्क्रैच में बनते कैसे हैं तो क्विज बनाने के लिए सबसे पहले कोई एक इंटरेस्टिंग बैकड्रॉप हम देख लेते हैं तो मैं यहाँ पर ये चॉकबोर्ड की बैकड्रॉप यूज कर रहा हूँ और हम कोई इंटरेस्टिंग स्प्राइट भी चुन लेते हैं तो मैं यहां पर ये स्प्राइट चुन रहा हूं आप कोई भी चुन सकते हैं तो अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं सो so, क्विज बनाने के लिए हमारे को बेसिकली सेंसिंग में जाके ये जो हमारा एक प्रोग्रामिंग ब्लॉक है आस्क का आस्क समथिंग एंड वेट हम इसका यूज करेंगे तो अगर हम यहाँ पे डाल रहे हैं क्वेश्चन कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड वेट तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा प्रोग्राम ये क्वेश्चन जो भी हमने यहां डाला है वो पूछ रहा है जो भी स्ट्रिंग हमने यहां डाला है वो डिस्प्ले हो रहा है और इसका जो भी आंसर है वो एक आंसर नाम के वेरिएबल पे तो यूजर यहां जो भी इनपुट डालेगा वो इस आंसर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी तो अभी ये ब्लैंक है पर अगर यूजर ने लिखा न्यू डेली तो उसके बाद ये न्यू डेली जो है जो भी वहां पे आंसर था उसकी वैल्यू यहां स्टोर हो गई है इस वेरिएबल में कॉल्ड आंसर तो अब एज क्वेज हम इसको चेक करना चाहते हैं तो हम यहां पे कंडीशनल स्टेटमेंट में जा रहे हैं और हम कह रहे हैं एक हम इफ देन एल्स का कंडीशनल स्टेटमेंट ला रहे हैं और हम एक इक्वालिटी का ऑपरेटर ला रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इफ आंसर इज इक्वल टू न्यू डेली ये केस सेंसिटिव नहीं है तो यूजर अपर केस या लोअर केस जो भी डालेगा वो इट दैट विल नॉट मैटर तो हम कह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन ये है जिसका ठीक आंसर ये है तो अगर आंसर ठीक है तो हम लुक्स में जाके कह रहे हैं कोई यूजर को रिस्पॉन्स दे देना जैसे मैं कह रहा हूं कि दैट्स करेक्ट एंड मे बी जस्ट फॉर वन सेकेंड और अगर आंसर कुछ और है न्यू डेली के अलावा यूजर uh, कुछ भी और एंटर करता है तो कह देना कि ओप्स दैट इज नॉट द राइट आंसर जो भी आप कहना चाहें मे बी फॉर टू सेकेंड्स और हम यहां पे इवेंट्स में जाके कह रहे हैं व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड तो अब अगर मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक कर रहा हूं तो हमारा क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया और अगर मैं यहां कह रहा हूं न्यू दिल्ली तो रिस्पॉन्स है दैट्स करेक्ट फिर से ट्राई करते हैं मैं यहां पर कुछ और आंसर दे रहा हूं डेली तो वो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है ऊप्स दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर फिर अगर हमारे को इस क्विज में और क्वेश्चंस ऐड करने तो मैं ये पूरा ब्लॉक डुप्लीकेट करता हूं और यहां पे सेकेंड तो, right में एक नया क्वेश्चन डाल देता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान राइट आंसर इज टोक्यो और मान लो हम क्विज़ में एक थर्ड क्वेश्चन भी ऐड करना चाहते हैं तो मैं यहाँ इसको ही डुप्लीकेट करके यहाँ कह देता हूँ कि वॉट इज द कैपिटल ऑस्ट्रेलिया और आंसर इज कैनबरा तो so, अब अगर हम इस गेम को खेलते हैं तो है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया हम कह रहे हैं न्यू दिल्ली तो रिस्पॉन्स है दैट्स करेक्ट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान चेक करने के लिए मैं टोक्यो के बदले कह रहा हूं ओसाका तो रिस्पॉन्स मिल रहा है ऊप् दैट इज नॉट द राइट आंसर और अगर मैं कह रहा हूं कैनबरा तो दैट्स करेक्ट सो ये एक हमारा क्विज तैयार हो गया है अब इस क्विज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें हम स्कोरिंग भी डाल देते हैं तो मैं यहां पे वेरिएबल्स में जाके एक नया वेरिएबल बना रहा हूं कॉल्ड स्कोर और मैं कह रहा हूं कि जब प्रोग्राम शुरू होगा जब भी नया प्रोग्राम शुरू होगा तो स्कोर नाम के वेरिएबल को रीसेट कर देना वैल्यू जीरो और अगर करेक्ट आंसर है तो मैं कह रहा हूं कि चेंज माई स्कोर चेंज स्कोर वेरिएबल बाई लेट्स एड टेन पॉइंट्स और अगर हम नेगेटिव मार्किंग डालना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि जब वो अगर इनकरेक्ट आंसर है सो चेंज स्कोर बाय माइनस फाइव और यही चीज़ हम बाक़ियों में भी हमें डालनी पड़ेगी तो हम यहाँ कह रहे हैं डुप्लीकेट राइट आंसर पे चेंज स्कोर बाय टेन और डुप्लीकेट रॉन्ग आंसर पर माइनस फाइव एंड सेम चीज़ डुप्लीकेट लास्ट जो हमने करा था राइट uh, आंसर right और रॉन्ग आंसर तो अब हम टेस्ट करते हैं तो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया लेट्स से मैंने कहा गलत दिल्ली तो हमारा जो स्कोर है वो माइनस फाइव हो गया एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान मैंने कहा टोक्यो तो वो प्लस फाइव प्लस टेन ऐड हुआ तो टोटल स्कोर फाइव हो गया वॉट इज द कैपिटल ऑफ कैनबरा तो वॉट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया मैंने कहा कैनबरा सो दैट्स करेक्ट और हमारी स्कोरिंग ठीक चल रही है तो एक तरीका तो क्विज बनाने का यह है कि हम यहां पे ये जो ब्लॉक है आस्क और उसके नीचे के जितने भी प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स हैं इनको अगर मैं हम डुप्लीकेट करके हम डालते जाएं डालते जाएं तो हम एक बहुत अच्छा लंबा सा क्विज बना सकते हैं पर फिर वो जो कोड है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो इसके बदले हम यहां पे जो है लिस्ट का यूज करते हैं तो यही वेरिएबल्स में एक है मेक अ लिस्ट तो हम यहां पर इसमें जाके हम कह रहे हैं एक लिस्ट बनाएंगे जो जिसमें हम सारे क्वेश्चन डालेंगे और फिर एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम सारे आंसर्स डालेंगे तो पहले क्वेश्चन की लिस्ट देखते हैं तो हम कह रहे हैं कि एड समथिंग टू दिस्ट कॉल्ड क्वेश्चन और इसमें हम पहला क्वेश्चन जो है वो एड करते हैं कि वॉट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया और फिर मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूं और हम यहां पे सेकंड क्वेश्चन डाल रहे हैं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान और मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूं और हम डाल रहे हैं थर्ड वाला क्वेश्चन व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया तो ये ज़्यादा पॉपुलेट हो गई है तो हम इसको पहले जाके हम कह रहे हैं कि डिलीट ऑल द क्वेश्चंस और फिर यहाँ क्लिक करते हैं तो ये हमारे तीन क्वेश्चंस ठीक ऑर्डर में यहाँ पे रिकॉर्ड हो गए हैं फिर हम एक और लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम सारे आंसर्स डालेंगे तो अब हम यहाँ जाके कह रहे हैं मेक अ लिस्ट उस लिस्ट का हम नाम कुछ भी दे सकते हैं मैं कह रहा हूँ आंसर्स और आंसर्स की लिस्ट में अब हम कह रहे हैं कि एड समथिंग टू आंसर च इज बेसिकली फर्स्ट आंसर इज वॉट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया हम कह रहे हैं न्यू डेली वॉट इज द कैपिटल ऑफ जापैन हम कह रहे हैं टोकियो और वॉट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया हम कह रहे हैं कैनबरा फिर से हम डिलीट ऑल आंसर और ठीक से यहां पर यह रिकॉर्ड हो गए तो ये अब हमारी दो लिस्ट जो है वो बन गई हैं एक लिस्ट में सारे क्वेश्चंस हैं और एक लिस्ट में हमारे सारे आंसर्स हैं तो अब हम क्या करते हैं कि यहां पर जो हमारा ये लॉजिक था ये मैं सब बाकी डिलीट कर रहा हूं केवल फर्स्ट वाले का लॉजिक रख रहा हूं तो हम यहां पे चाहते क्या है कि सबसे पहले जब हम ये बोले कि आस्क का क्वेश्चन तो हम क्वेश्चन देने के बदले हम कहें कि जो भी फर्स्ट आइटम इन दिस लिस्ट कॉल्ड क्वेश्चन है वो पूछना तो ये हमारे को यहां मिल रहा है कि आइटम वन ऑफ द आंसर सॉरी वन ऑफ द क्वेश्चन कि आस्क वट एवर इज नंबर आइटम नंबर वन ऑफ द क्वेश्चन और उसका आंसर क्या होगा आंसर होगा आइटम वन ऑफ द आंसर्स तो अगर मैं इसको देखता हूँ और ये जो हमारे यहाँ पर इसको अगर हमें हाइट करना है तो यहाँ हम जाके इसको चेकबॉक्स को अनचेक कर देते हैं अब अगर मैं गेम शुरू करता हूँ तो वॉट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया तो हमने कहा न्यू डेली और आंसर आया दैट्स करेक्ट बट अब हमारी लिस्ट में तो और भी क्वेश्चन हैं पर वो पूछे नहीं गए हैं तो हमें क्या करना है कि हम चाहते हैं कि यहां जो हम कह रहे हैं कि आइटम नंबर कौन सा हो क्वेश्चन का हम कह रहे हैं कि पहले आइटम नंबर वन हो फिर आइटम नंबर टू हो फिर आइटम नंबर थ्री हो इस तरीके से तो हम यहां पे इंस्टेड ऑफ सेइंग आइटम नंबर वन है हम वेरिएबल एक बना देते हैं जो कि डिटरमिन करेगा कि इस जो क्वेश्चन की लिस्ट है वो उसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम वेरिएबल्स में जाके कह रहे हैं कि मेक अ वेरिएबल कॉल्ड क्वेश्चन नंबर एंड मेक अनदर वेरिएबल कॉल्ड आंसर नंबर तो अब हम क्या कह रहे हैं कि जब हमारा क्विज शुरू होगा तो हम सारे वेरिएबल्स स्कोर को हम जीरो सेट कर रहे हैं क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम वन बोल रहे हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि लिस्ट में जो पहला आइटम है वो पिक हो और उसी तरीके से हम कह रहे हैं कि सेट वेरिएबल जो आंसर नंबर नाम का वेरिएबल है उसको वन सेट कर दो ताकि क्वेश्चन वन जो भी था आइटम नंबर वन जो क्वेश्चंस की लिस्ट में था उसका आंसर इज इन दी आंसर लिस्ट आइटम नंबर वन तो अब हम बोल रहे हैं कि जब शुरू होगा हमारा गेम तो स्कोर जीरो सेट करेंगे क्वेश्चन नंबर नाम का वेरिएबल वन सेट करेंगे ताकि वो फर्स्ट आइटम पिक करे और आंसर नंबर नाम का वेरिएबल भी वन सेट uh, करेंगे ताकि वो आंसर की लिस्ट में से फर्स्ट आइटम पिक करे फिर हम यहां पे कह रहे हैं कि देन सेइंग आस्क आइटम वन ऑफ द क्वेश्चंस हम कह रहे हैं आस्क दट एवर इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कॉल क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर में इस वक्त कौन सी क्या वैल्यू स्टोर्ड है जब हम ग्रीन फ्लैग क्लिक कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर वन है वैल्यू और आंसर की भी वन स्टोर्ड है तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला आंसर फिर हम कह रहे हैं जब कि जब ये पूरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ लो उसका आंसर जो है वो चेक हो जाए तो यहां आंसर पर भी हम वन नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आंसर नंबर नाम का वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो आंसर की लिस्ट में उसको देखना और जब पहला क्वेश्चन पूछ लो उसका आंसर चेक कर लो और करेक्ट या इनकरेक्ट रिस्पॉन्स दे दो तब जो है वो चेंज क्वेश्चन नंबर बाय वन और चेंज आंसर नंबर बाय वन यानी कि इसके बाद क्या होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछने के बाद वो इन वेरिएबल्स की वैल्यू को टू और टू कर देगा यानी कि वो क्वेश्चंस uh, की लिस्ट से सेकंड वाला पिक करेगा आइटम और आंसर की लिस्ट से भी सेकंड वाला पिक करेगा और उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि ये चीज रिपीट हो रिपीट हो और कितनी बार रिपीट हो जितने भी हमारी लिस्ट में आइटम है उतनी बार रिपीट हो तो हम कंट्रोल में जाके रिपीट के लूप में इसको डाल रहे हैं और हम यहां कह रहे हैं कि रादर देन रिपीट टेन लाइक थ्री टाइम्स बिकॉज हमें अभी पता है कि यहां पे तीन है बट जब हम इसमें और क्वेश्चंस ऐड करेंगे तो हमें हर बार कोड ना बदलना पड़े तो इसके लिए हम वापस जाके यहां पे कह रहे हैं कि रिपीट हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट द नंबर ऑफ टाइम्स जो कि लेंथ ऑफ क्वेश्चन यानी कि इस लिस्ट में जितने भी आइटम हैं उतनी बार इस लूप को रिपीट करना तो अभी इसकी वैल्यू है थ्री बिकॉज हमारे आइटम थ्री हैं तो हम यहां पे यह डाल रहे हैं रिपीट आ, दिस होल लूप द नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट कॉल्ड क्वेश्चन तो हम इसको टेस्ट करते हैं तो अभी हमारा स्कोर जीरो है क्वेश्चन नंबर वन जो है वो पूछा जा रहा है वॉट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया जिसका आंसर इज आंसर नंबर वन जो है न्यू डेली तो हम यहां पे कहते हैं हम यहां कह रहे हैं न्यू डेली तो हमारे को मिल रहा है दैट्स टू दैट्स करेक्ट और अब हमारा स्कोर बढ़ गया टेन से और क्वेश्चन नंबर नाम के वेरिएबल की जो वैल्यू थी वो टू हो गई तो इसलिए जो यहां पे सेकंड आइटम है इस लिस्ट में वो जो है वो पूछा जा रहा है व्हाट इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान अगर मैं यहां गलत आंसर देता हूं ओसाका तो हमारे रिस्पॉन्स मिल रहा है दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर क्योंकि वो चेक कर रहा था कि सेकेंड आइटम क्या है यहां पर और अब यहां पर ये दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू बदल गई है ये थ्री हो गया इसलिए थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इस तरीके से हम लिस्ट का यूज कर रहे हैं इस क्विज को जेनरेट करने के लिए तो अगर लिस्ट का फायदा क्या है कि अब अगर हमारे को इसमें एक नया क्वेश्चन डालना था तो हम यहां पे जाके कह रहे हैं एड अनदर क्वेश्चन लेट से वॉट इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया और हम इसको यहां एड कर रहे हैं और हम कह रहे हैं Add टू the questions की लिस्ट में इसको add करना और answers की लिस्ट में इसका आंसर क्या है क्वाला लंपुर तो ये अगर मैं वापस यहां पे दिखाता हूं आपको ये हमारी लिस्ट थी तो हम पहले इनको सब क्लियर कर रहे हैं दोनों लिस्ट को क्लियर कर रहे हैं और ये मैं क्वेश्चन नंबर और ये दोनों को बंद कर देता हूं तो दोनों लिस्ट हमारी क्लियर हो गई है और अब अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूं तो ये पॉपुलेट हो गई हमारी लिस्ट क्वेश्चंस की और ये आंसर्स की और अब अगर मैं इन दोनों को वापस बंद कर देता हूं क्योंकि केवल चेक करने के लिए डाला था कि ठीक से एंटर हुआ है कि नहीं तो अब अगर मैं इसको दोबारा गेम शुरू करता हूं तो हमारा जो नया आइटम है वो ऐड हो गया होगा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया तो हम कह रहे हैं कि न्यू डेली वॉट इज द कैपिटल ऑफ जापान हम कह रहे हैं टोकियोचे हाँ गलत आंसर देते हैं वॉट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया हमने कहा सिडनी तो हमें रिस्पॉन्स मिला नॉट करेक्ट एंड फिर ये हमारा जो नया हमने आइटम ऐड किया था वो हमारा क्वेश्चन भी ऐड हो गया है और उसका रिस्पॉन्स भी ठीक जनरेट हो रहा है तो इस तरीके से लिस्ट का फायदा क्या है कि इस लिस्ट में हमारा जो लॉजिक है वो नहीं बदलेगा वो तो सेम रहेगा और हम इस लिस्ट में जितने मर्जी क्वेश्चंस ऐड करना चाहें हम उसमें ऐड करते रहेंगे तो जो हमारा आ, आ, लिस्ट को यूज करने की वजह से हमारे को जो एक बहुत लंबा सा हम प्रोग्राम लिखते हैं कि हम क्वेश्चंस को बार 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 डुप्लीकेट करते उसके बदले हमने ये लिस्ट दो बनाई और एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के हमने एक क्विज मास्टर का एक ये प्रोग्राम लिखा और जो ये क्विज में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये कोई भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं तो यहाँ पर इन इन क्वेश्चन के बदले अगर मैं इन क्वेश्चन को चेंज करके कोई हिस्ट्री का क्विज बना देता हूँ या मैथमेटिक्स का क्विज बना देता हूं तो मैं क्वेश्चन यहां डालूंगा आंसर यहाँ डालूंगा और वो जो दोनों लिस्ट हैं इनको क्लियर करके रिपॉपुलेट कर दूंगा तो जो हमारा एक नया क्विज बन जाएगा तो आई होप आपको लिस्ट और एरेज इसकी फंक्शनैलिटी समझ में आई और ये बहुत पावरफुल फंक्शनैलिटी है बिकॉज आप लिस्ट को अलग रखते हुए आप प्रोग्राम लॉजिक को अलग रखते हुए बहुत जल्दी से कोई बहुत लंबा जो प्रोग्राम है उसको लिख सकते हैं विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स सो आई होप आप कुछ इंटरेस्टिंग क्विजे बनाएंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उनकी नॉलेज को टेस्ट करेंगे